हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम मेरी रीडिंग देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड अगर अपनी रीडिंग आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक देना मत भूलिएगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन से रिलेटेड ये रीडिंग होने वाली है। थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड कब तक हो सकता है, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या महसूस कर रहे हैं फिलहाल, और आपके लिए क्या है गाइडिंग मैसेजेस इस सिचुएशन के रिगार्डिंग, आपको क्या करना चाहिए। तो गाइज, यहाँ पे तीन पायल्स हैं हमारे पास। पायल नंबर वन में है ये ब्लू कलर का स्टोन, पायल नंबर टू में है ब्लू ब्रेसलेट, और पायल नंबर थ्री में है ये पिंक फ्लावर। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप देख सकते हैं कि कितने मिनट और कितने सेकंड पर आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं रीडिंग पायल नंबर वन के साथ। थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड कब होगा, ओके। थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड कब होगा, थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ से कब तक जा सकती हैं, कौन से वो महीने, कौन सी वो डेट्स हो सकती हैं, या अब से लेकर कितना वक्त लग सकता है इस सिचुएशन को सुधरने में, आपके पार्टनर को वापस आने में, या थर्ड पार्टी का कंप्लीटली एंड होने में। पाइल नंबर वन, किंग ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स, द मून, Ace of Pentacles, the World, the Hanged Man, Tower, okay, and Ace of Cups, ठीक। Back of the deck हमारे पास है Queen of Cups, यानी आपके partner emotions feel करते हैं, आपके towards emotions हैं, लेकिन दर्शाते नहीं हैं, show नहीं करते हैं, एंड एक्शन भी नहीं ले रहे हैं फिलहाल। ठीक, एक्शन वो लेंगे, आपको अप्रोच भी करेंगे, सिचुएशन यहां पर बेहतर भी होगी, थर्ड पार्टी का एंड होगा। द टावर का कार्ड आया है, तो ये सिचुएशन जरूर खत्म होगी। वाई? क्योंकि ये जो रिश्ता है, ये किसी ना किसी गलत चीज की शुरुआत हुई, गलत चीज से इसकी बिगनिंग हुई है, गलत इंटेंशन से इस रिश्ते की शुरुआत हुई है। मनी एक रीजन हो सकता है यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो थर्ड पार्टी है, ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के फाइनेंसेस से इम्प्रेस्ड हैं, या आपके पार्टनर के फाइनेंसेस का यूज करने के लिए उनसे कनेक्टेड हैं। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं, आपको मिस भी कर रहे हैं। द मून, जब भी अकेले होते हैं आपको जरूर याद करते हैं, आपका थॉट जरूर उनके माइंड में आता है। डिसअपॉइंटेड हैं अपनी करंट सिचुएशन को लेके, जो भी उनकी जिंदगी में फिलहाल चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ जैसा भी उनका रिश्ता है, उससे खुश तो नहीं है। मनी यहां पर दिया जा रहा है, पेंटिकल्स, तीन कार्ड्स पेंटिकल्स के ही हैं, तो मनी का लेन देन यहां पर चल रहा है। पाइल नंबर वन, द वर्ल्ड, ये सिचुएशन एंड होगी, ये जो साइकिल है थर्ड पार्टी के साथ, ये जरूर खत्म होगा। कब तक खत्म हो सकता है, कौन से मंथ्स हो सकते हैं, दिसंबर, मई, जुलाई, डेट्स हो सकती हैं 12 तारीख, 7 तारीख, 5 तारीख, 18 तारीख, 16 तारीख, ये डेट्स और ये मंथ्स हो सकते हैं। 2021 अब से लेकर लगा लीजिए 5 से 7 महीने, 5 to 7 months, ये रीडिंग मैं सितंबर 2020 में अपलोड कर रही हूँ, तो आप अपने जब भी आप ये वीडियो देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली आप अंदाजा लगा सकते हैं। 5 से 7 महीने,
5 से 7 महीने लगेंगे इस सिचुएशन को ख़त्म होने में। जैसे ही ये साइकिल ख़त्म होता है, अपने आप खुद ब खुद ऐसे सर्कमस्टेंसेस बनेंगे कि ये साइकिल जो है ख़त्म होगी एंड आपके पार्टनर को रियलाइजेशन आएगी कि उन्होंने क्या किया है। द हैंग मैन, आपको हर्ट किया है या आपको बिट्रे किया है, उस सिचुएशन को, इस रिश्ते को आपकी नज़र से देखना शुरू कर देंगे। एहसास होगा उन्हें जो भी उन्होंने किया है वो गलत था या सही था, इस चीज़ का एहसास उनको होगा। एंड द टावर, उसके बाद ये रिश्ता जो थर्ड पार्टी के साथ है इसका एंड होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। फिंगर्स क्रॉस्ड, ये थर्ड पार्टी के साथ जो भी इनका रिलेशन चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। एंड द एस ऑफ कप्स, आपको अप्रोच करेंगे एक बार फिर से, अपने इमोशंस आपके सामने जाहिर करेंगे, एक नई बिगिनिंग हो सकती है यहाँ पे। कुछ मैसेजेस या कोई हिंट उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड क्या हो सकते हैं, कोई इमोशंस जो वो फील करते हैं, कुछ बातें जो उनके माइंड में आती हैं बट अभी तक आपसे उन्होंने एक्सप्रेस नहीं करी हैं, बोली नहीं है, कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक, उनके इमोशंस, उनकी इंटेंशंस, उनकी फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड कोई हिंट। वर्क ओरिएंटेड, आपके जो पर्सन हैं सेटल्ड हैं, काम में ध्यान लगाते हैं, अपनी जॉब में, बिजनेस में, ठीक, वर्क ओरिएंटेड हैं। आउटगोइंग एंड फ्रेंडली इनकी पर्सनालिटी है, ये जहाँ भी जाते हैं लोग इनको पसंद करते हैं, लोग इनसे दोस्ती करना चाहते हैं, इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत ही लाइवली, आउटगोइंग और फ्रेंडली पर्सनालिटी है इनकी। आई मूव्ड ऑन बिकॉज आई हैड टू, मुझे आगे बढ़ना पड़ा थर्ड पार्टी के साथ क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी, सिचुएशन कुछ इस तरीके की बन गई थी आप लोगों के बीच में कि इनको थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ना पड़ा। गाइज, यहाँ पर भी ब्लैक मैजिक का इन्फ्लुएंस हो सकता है। लव एट फर्स्ट साइट, आपके साथ जो इनको महसूस हुआ था वो लव एट फर्स्ट साइट था, प्यार हो गया था एंड वो प्यार अभी भी है, वो अभी भी है। कप्स हैं यहाँ पे, इमोशंस हैं यहाँ पे, एक्सप्रेस भी करेंगे ये सिचुएशन खत्म होने के बाद। 5 to 7 months पाइल नंबर 1, थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो एंड है, 5 से 7 महीने हो सकते हैं आपके लिए। इट इज नॉट इन अवर डेस्टिनी, डिसअपॉइंटेड, उनको ऐसा एहसास हो रहा है फिलहाल कि शायद ये रिश्ता आपका और उनका रिश्ता किस्मत में ही नहीं है, ऐसा वो फील करते हैं, ये थॉट उनके माइंड में आता है। ओके, ब्रोकन ट्रस्ट, किसी का यहाँ पे विश्वास टूटा है, या तो उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है या आपने किसी तरीके से उनका ट्रस्ट तोड़ा है, किसी की भी एनर्जी हो सकती है ये। मोस्ट प्रोबेबली आपके पार्टनर जिन्होंने आपको बिट्रे किया है और थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन किया है, ब्रोकन ट्रस्ट है यहाँ पे, विश्वास टूटा है। कांट लेट यू गो, आपको जाने नहीं देना चाहते हैं वो, क्योंकि इमोशंस हैं। बैक ऑफ द डेक हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स था, इमोशंस हैं, दिखा नहीं रहे हैं, दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि अभी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हैं, लेकिन आपको भी लाइफ से जाने नहीं देना चाहते हैं वो। अवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइल नंबर 1, आपकी जो, आपका जो रिश्ता है, आपकी जो कहानी है वो अभी ख़त्म नहीं हुई है, आगे बढ़ेगी और पॉजिटिव चीज़ें आपको, आप एक्सपीरियंस करेंगे इस रिश्ते में आपके पार्टनर के साथ। अवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू, ठीक। और क्या गाइडिंग मैसेज हो सकते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से, जिन्होंने पाइल नंबर 1 सिलेक्ट किया है? आपको अपनी अप्रोच कैसी रखनी है और आपको इस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है? ओके, कम्युनिकेशन इज की, इमोशंस आर रनिंग हाई, जेमिनाई राशि हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस राशि भी हो सकती है,
ओके स्कॉर्पियो, इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। आपके माइंड में जो भी फीलिंग्स हैं उनके लिए, अगर कोई नेगेटिव फीलिंग्स आप लेकर बैठे हैं पास से रिलेटेड, तो वक्त आ गया है कि उस नेगेटिविटी को जाने दीजिए, भूल जाइए। कम्युनिकेशन इज की। आप एक बार कोशिश कर सकते हैं अपने पार्टनर से बात करने की, नॉर्मली, जस्ट नॉर्मली उनसे एक बार बात करने की कोशिश कर सकते हैं। ये यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडिंग मैसेज है। इमोशंस आर रनिंग हाई। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हैं फिलहाल अपने रिलेशनशिप को लेके, बहुत ज़्यादा इमोशन, बहुत सारे यहाँ पे इमोशंस हैं और काफ़ी कुछ यहाँ पे आगे चल के होने वाला है। पाइल नंबर वन, ये गाइडिंग मैसेजेस आपके लिए हैं। बातचीत करिए, नेगेटिविटी को अपने माइंड से, अपने दिल से निकाल दीजिए, भुला दीजिए। जो भी कुछ गलत हुआ है माफ कीजिए, फॉरगिव देम। एक बार बात कीजिए, अगर आप सच में उनसे प्यार करते हैं, उनसे कनेक्टेड हैं, चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में आए, तो एक बार कोशिश जरूर कीजिएगा। पाइल नंबर वन, ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग से आपको कुछ क्लैरिटी मिलती है या आप कुछ पॉजिटिव यहाँ से लेकर जाते हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। और कोई टॉपिक अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं पाइल नंबर टू की तरफ। पाइल नंबर टू, जिन्होंने ये ब्लू कलर का ब्रेसलेट सिलेक्ट किया है, आपके पार्टनर कब तक लौट कर आ सकते हैं, कब तक ये थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है इसका एंड होगा? क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी के साथ, आपके टुवर्ड्स क्या महसूस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी का एंड कब होगा? ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस, द मैजिशियन, द स्टार, सेजिटेरियस राशि, एरीज राशि, लियो राशि, एक्वेरियस राशि आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, थर्ड पार्टी की भी हो सकती है, क्योंकि थर्ड पार्टी भी इस सिनेरियो में प्रेजेंट है। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, Ten of Wands, Page of Cups, Nine of Wands, and one more card for this situation. कब तक एंड होगा थर्ड पार्टी का? थर्ड पार्टी का एंड कब तक होगा? थर्ड पार्टी सिचुएशन कब तक खत्म होगी? ये जो भी पर्सन आपके पार्टनर की लाइफ में है, ये कब तक जा सकते हैं, कौन से वो मंथ्स और डेट्स हो सकती हैं? टेन ऑफ सॉल्स, जेमिनाई, लीब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये राशियां हो सकती हैं आपकी, आपके पार्टनर की या थर्ड पार्टी की, क्योंकि थर्ड पार्टी की भी यहाँ पे प्रेजेंस है। ठीक, तो गाइस, जो मंथ्स और जो डेट्स हो सकते हैं जब तक ये थर्ड पार्टी ओवर होगी, वो हो सकते हैं 9 तारीख, 10 तारीख, 1 तारीख, 14 तारीख, 17 तारीख, और मंथ्स हो सकते हैं सितंबर, अक्टूबर, जनवरी। ठीक, सो ये कमिंग अक्टूबर और कमिंग जनवरी तक चांसेस हैं कि ये सिचुएशन जो है, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, ये खत्म होगी। आपके पार्टनर फिलहाल कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं इस सिचुएशन के टुवर्ड्स, आपके और उनके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ जो उनका रिश्ता है, वो एक तरीके से बर्डन जैसा है उनपे, एक तरीके से बर्डन जैसा है। एंड जस्ट लाइक पाइल नंबर वन, यहाँ पर भी मनी से रिलेटेड कुछ लेन देन चल रहा है। आपके पार्टनर या तो फाइनेंशियली उनको सपोर्ट कर रहे हैं
थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ओके, एंड पूरी वो कोशिश करते हैं कि उनका जो रिश्ता है उसमें एक बैलेंस बना रहे। तो यहाँ पर ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से पैसे मांगते होंगे, एंड देन आपके पार्टनर अगर मना करते होंगे तो सिचुएशन कुछ खराब हो जाती होगी, एंड देन रिश्ता ना बिगड़े या वो उनको खो ना दें, इस वजह से वो पैसे दे देते होंगे या फाइनेंशियली हेल्प कर देते होंगे, ये पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो ये रिश्ता उनको बर्डन जैसा लग रहा है। आपको वो ऑफर देना चाहते हैं एक बार फिर से, पेज ऑफ कप्स, बट डरते हैं, फियर है यहाँ पे। जो भी कुछ पास्ट में हुआ है आप लोगों के रिश्ते में, उस चीज को लेके यहाँ पे उनके मन में कोई डर बना हुआ है। बिट्रेयल, बैक स्टैबिंग, तो ये पास्ट में किसी ने, या तो आपके पार्टनर ने आपको चीट किया है, ठीक, चीटिंग की वजह से ये जो रिश्ता एंड हुआ है, ये रीजन है कि ये एक बार फिर से आपको अप्रोच करने से डरते हैं, हिचकिचाते हैं, श्योर नहीं है। इनको लगता है कि आप क्या कहेंगे और कैसे थॉट्स हैं इनके माइंड में, इनके तरफ से क्या मैसेजेस हो सकते हैं। कोई हिंट इस रिश्ते से रिलेटेड, कोई हिंट इस रिश्ते से रिलेटेड, इनकी फीलिंग से रिलेटेड, कोई मैसेज ऐसा, कोई थॉट ऐसा जो इनके माइंड में आता है लेकिन ये कह नहीं पाते हैं। ओके, अगेन, वर्क ओरिएंटेड, ये इनका पर्सनैलिटी ट्रेट हो सकता है, वर्क ओरिएंटेड है ये। आई वॉन्ट अ फ्रेश स्टार्ट विद यू, आपके साथ मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूं या चाहती हूं। ऐसे थॉट्स, ऐसे इमोशंस इनको फील होते हैं। लेट योर आर्मर डाउन, वही बात, चाहते हैं ये आपको अप्रोच करना लेकिन डरते हैं कहीं आप रिजेक्ट ना कर दें इनको, इनका ऑफर आप कहीं रिजेक्ट ना कर दें, क्योंकि पास्ट में चीटिंग हुई है, बैक स्टैबिंग हुई है। ओके, ओके, ब्रोकन ट्रस्ट, ट्रस्ट टूटा है यहाँ पे, आपका ट्रस्ट इन्होंने तोड़ा है। माई हार्ट बीट्स फॉर यू, माई हार्ट बीट्स फॉर यू, अभी भी इमोशंस हैं आपके टूवर्ड्स, अभी भी कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये रिश्ता एक बार फिर से जुड़ जाए, एक बार फिर से आप उनकी लाइफ में आ जाएं। अवर लव स्टोरी विल कंटिन्यू, हमारी लव स्टोरी जो है या हमारा जो रिश्ता है ये आगे कंटिन्यू होगा, इस चीज की श्योरिटी आपके पार्टनर को भी है कहीं ना कहीं, वो ये बात जानते हैं कि ये रिश्ता जो है आगे बढ़ेगा। आई वॉन्ट टू मैरी यू, शादी भी कर सकते हैं आपसे, ऐसा उनका थॉट आता है, ऐसी चीज उनको फील होती है अपने माइंड में, अपने दिल में। आई वॉन्ट टू मैरी यू, पास्ट लाइफ कनेक्शन, सो यू गाइज हैव अ पास्ट लाइफ कनेक्शन, कार्मिक रिलेशनशिप हो सकता है ये आपका, आपके पार्टनर के साथ आपकी सोल्स एक दूसरे को जानती हैं, इससे पहले भी मिल चुके हैं। आउटगोइंग एंड फ्रेंडली, इनके पर्सनैलिटी ट्रेट हो सकता है, आउटगोइंग एंड फ्रेंडली, बहुत ही ज्यादा लाइवली। तो ये कुछ हिंट्स हैं इस सिचुएशन से रिलेटेड या आपके पार्टनर की पर्सनैलिटी से रिलेटेड। ठीक, इस सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी अप्रोच कैसी रखनी है। पाइल नंबर टू, यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से आपके लिए मैसेज, आपको क्या करना है। अ टाइम फॉर हीलिंग, खुद को हील करना है, अपने इमोशंस को हील करना है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, न्यू मून इन एरीज, कुछ एक्शन लेना है आपको। न्यू मून इन एरीज, एरीज राशि भी हो सकती है आपकी, आपके पार्टनर की या थर्ड पार्टी की। एंड बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ओके, सो इट्स टाइम टू टेक एक्शन, एक्शन लेने का, स्टेप लेने का टाइम आ गया है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, फर्स्ट मूव, पहला
कदम जो है आपको बढ़ाना है आपके पार्टनर की तरफ। अगर आप चाहते हैं कि ये रिश्ता एक बार फिर से जुड़े या ये पर्सन एक बार फिर से आपकी लाइफ में आए, तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये गाइडिंग मैसेजेस हैं। पाइल नंबर टू, टाइम आ गया है कि आप अपने इमोशंस को हील करें और एक्शन लें। एक बार इनको कांटेक्ट करें, इनसे बात करने की कोशिश करें। अगर वहां से बिल्कुल भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी कोई बातचीत नहीं है, एक बार कन्फ्रंट कीजिए, एक बार बात कीजिए। ये गाइडिंग मैसेज है आपके लिए, पाइल नंबर टू के लिए। गाइज, अगर ये रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है या आप इस रीडिंग से कुछ पॉजिटिव लेकर जाते हैं, कुछ क्लैरिटी मिलती है आपको आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग, तो प्लीज़ मेरे चैनल टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। कोई सजेशन है अगर आपके पास, कोई पिकअप आयल रीडिंग अगर आप सजेस्ट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर भी एक रीडिंग लेकर ज़रूर आऊँगी। अब आगे बढ़ते हैं लास्ट पाइल की तरफ, पाइल नंबर थ्री। पाइल नंबर थ्री, जिन्होंने ये पिंक कलर का फ्लावर सिलेक्ट किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड कब तक हो सकता है आपकी लाइफ में? एंड गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आप लोग इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपने मेरे चैनल को, टैरो बाय टीजे को इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि आप में से कुछ लोग सजेशंस मांगते हैं कमेंट बॉक्स में, तो गाइज द थिंग इज़ दैट मैं आपको पर्सनली नहीं जानती हूँ, मैं आपकी सिचुएशन को पर्सनली नहीं जानती हूँ, तो मैं अपने मन से आपको जस्ट ऐसे ही कोई सजेशन नहीं दे सकती। वो एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस मैटर है, आपकी लाइफ का सवाल है। अगर आप चाहें तो आप पर्सनल रीडिंग मेरे साथ बुक करा सकते हैं, मेरा नंबर जो है वो स्क्रीन पर अवेलेबल है। टैरो के जरिए मैं ज़रूर आपको गाइड कर सकती हूँ, आपको कुछ क्लैरिटी प्रोवाइड कर सकती हूँ आपकी सिचुएशन के रिगार्डिंग। थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड कब होगा, कौन से वो मंथ्स और कौन से वो डेट्स हो सकती हैं जब थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड होगा कम्प्लीटली? टू ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनाई लीब्रा एक्वेरियस, किंग ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लियो द सन, स्कॉर्पियो अगेन द डेथ, ओके डेथ, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। ओके, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है? फिलहाल ये चल रहा है आपके पार्टनर को जो फील हो रहा है, कन्फ्यूज्ड हैं, दो ऑप्शंस हैं उनके पास, कन्फ्यूज्ड हैं, एंड क्योंकि आप प्रेजेंटली उनकी लाइफ में नहीं हैं तो वो आपको मिस भी करते हैं। मून, मिस करते हैं आपको, द मून का कार्ड यहाँ पे भी है, ठीक, काफी मिस करते हैं, इमोशंस हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, डेथ, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, एंडिंग चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या ये जो कंफ्यूजन वो इस वक्त फेस कर रहे हैं इसका एंड हो, दिल से वो ये चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ, आपको एक बार फिर से अप्रोच करना चाहते हैं, क्योंकि इमोशंस यहाँ पर प्रेजेंट हैं। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस काफी हद तक यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि एक बदलाव चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपनी लव लाइफ में। टू ऑफ कप्स, रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, परेशान हो गए हैं वो ये दोनों सिचुएशंस को संभाल के, इधर जाना है या इधर जाना है, कन्फ्यूजन है बहुत ज्यादा, तो काफी हद तक वो परेशान भी हो गए हैं इस सिचुएशन से। अब बस उनके माइंड में यही आता है कि ये इस चीज की एंडिंग हो और एक नई बिगिनिंग हो। एस ऑफ सॉर्ड्स, कम्युनिकेशन, डिवाइन टाइम पे ये कम्युनिकेशन होगी, बातचीत आपकी होगी और पॉजिटिव रहेगी आपके रिश्ते के लिए। आमीन, काफी हद तक पॉजिटिव रहेगी आपके रिश्ते के लिए। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, आपको याद करते हैं और आपके साथ बिताया हुआ जो वक्त है उसे याद करते हैं, बहुत हद तक आपको मिस करते हैं, आपसे जुड़ी हुई कोई चीजें जरूर हैं इनके पास,
कुछ ना कुछ ज़रूर है इनके पास, कोई पुरानी पिक्चर हो सकती है, फ़ोटो, कोई गिफ्ट हो सकता है, मटेरियलिस्टिक कोई एक आइटम जो है इनके पास है जिसे देखकर इनको आपकी याद आती है, आपको मिस करते हैं। जो डेट्स और मंथ्स हो सकते हैं जब तक कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड होगी, वो हो सकती है 2 तारीख, 7 तारीख, 18 तारीख, 13 तारीख, 19 तारीख, या फिर गाइज अब से लेकर 2 हफ्ते, 2 महीने, या फिर फरवरी का महीना हो सकता है, फरवरी का महीना हो सकता है गाइज, जब तक ये सिचुएशन एंड होगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आएगा, एंड इट विल कम फॉर गुड। इट्स अ मेजर अरकाना, तो इसका जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म रहने वाला है, यानी कि ये रिश्ता जब खत्म होगा, थर्ड पार्टी के साथ जब ये रिश्ता खत्म होगा, तब बहुत चांसेस नहीं है कि दोबारा ये थर्ड पार्टी से कनेक्ट होंगे या एक बार फिर से उनसे जुड़ेंगे, ये चांसेस कम ही हैं। ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस कुछ हद तक कई लोगों के सिचुएशंस में हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और ऐसे कौन से मैसेजेस हैं आपके पार्टनर की तरफ से, ऐसे कौन से इमोशंस हैं, फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड ऐसे कौन से हिंट्स हैं जो आपको मदद कर सकते हैं ये जानने में कि ये रीडिंग शायद आप ही के लिए है। ठीक, क्या महसूस कर रहे हैं वो, कौन सी ऐसी बातें हैं जो उनके माइंड में आती हैं। फ्यूचर प्लानिंग, अगेन गाइज द सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो भी करना चाहते हैं, एक नई उम्मीद। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून। डिवाइन टाइमिंग पर ये कम्युनिकेशन होगी, ये कन्वर्सेशन डेफिनेटली होगी जब सही वक्त आएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट यू, कन्फ्यूजन है फिलहाल, जो उनकी करंट एनर्जी या करंट थॉट है उसमें कन्फ्यूजन है। बिल्ड अ होम विद यू, ये थॉट, ये इमोशन उनके माइंड में आता है कि वो आपके साथ एक घर बसाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं। टॉक्सिसिटी भी है यहाँ पे उनके इमोशंस में, क्योंकि वो दोनों चीजों को या दोनों लोगों को या दोनों सिचुएशंस को संभालते हुए थक गए हैं। तो कुछ हद तक ये जो पर्सन है जिनको माइंड में रख के आप इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं गाइस, ये फ्रस्ट्रेटेड भी हो गए हैं। यू नो मी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, आप मुझे काफी लंबे वक्त से जानते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी है कि या तो आप लोग काफी लंबे टाइम रिलेशनशिप में रह चुके हैं, मैरिड रह चुके हैं, इनको जानते हैं आप बहुत लंबे वक्त से। ओके, अब लव स्टोरी विल कंटिन्यू। ओके, तो ये कार्ड तीनों के तीनों पाइल्स में आया है, तो आई बिलीव सबके लिए यहाँ पर होप है, सबके लिए होप है। ये जो कहानी है आपकी, जो आपका रिश्ता है, जरूर कंटिन्यू होगा, थर्ड पार्टी का एंड जरूर होगा, ये जो सिचुएशन है ये जरूर ओवर होगी। अब अ लव स्टोरी विल कंटिन्यू, कभी ना कभी इसका एंड जरूर होगा, मोस्ट प्रोबेबली ये जो कमिंग फरवरी है, फरवरी तक का टाइम हो सकता है गाइज। ये रीडिंग मैं सितंबर 2020 में अपलोड कर रही हूँ, तो अगर आप ये रीडिंग नवंबर में देखते हैं या फरवरी के बाद देखते हैं, तो हो सकता है कि तब से लेकर 2 महीने हो सकते हैं। नंबर 2 है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली, सो 2 वीक्स, 2 मंथ्स और द मंथ ऑफ फरवरी, पॉसिबिलिटी है कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन ओवर होगी। मैनिफेस्टिंग यू, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये पर्सन या तो मेडिटेशन करते हैं अपने माइंड को शांत रखने के लिए, क्लैरिटी चाहते हैं ये, इस वजह से ये मेडिटेट करते हैं, मैनिफेस्टेशंस में ये बिलीव करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ यूनिवर्स में ये बिलीव करते हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये अपनी लाइफ में। तो डेफिनेटली गाइज थर्ड पार्टी सिचुएशन का एंड जरूर होगा, 2 मंथ्स, 2 वीक्स और द मंथ ऑफ फरवरी, कमिंग फरवरी।
आपके लिए गॉड की तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से इस सिचुएशन के रिगार्डिंग क्या है गाइडिंग मैसेज, आपको क्या करना है। Prosperity lies ahead. The end of a tough cycle approaches and your commitment is being tested. Taurus Capricorn, Taurus Rashi, Capricorn Rashi भी हो सकती है आपकी, आपके partner की। तो guys, good news है आपके लिए। The end of a tough cycle approaches. ये जो वक्त चल रहा है जिसमें आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा आप stressed हैं, बहुत ज़्यादा tension में हैं अपने रिश्ते को लेके, तो ये जो साइकिल है ये खत्म होने वाली है, ये मुश्किल वक्त जो है ये ओवर होने वाला है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, अच्छा ही अच्छा होगा आपके साथ इस रिश्ते में और जनरली लाइफ में भी। पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, एवरीथिंग, लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स आर वेटिंग फॉर यू। पाइल नंबर 3, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। तो आपका प्यार कितना सच्चा है, आप कितना इनको सपोर्ट कर सकते हैं, या आप कितना इंतजार कर सकते हैं, कितना वक्त दे सकते हैं, आपका जो भी कमिटमेंट रहा है आपके पार्टनर के साथ, ये जो वक्त है ये चल रहा है, आपका कमिटमेंट टेस्ट हो रहा है, जो आपके प्रॉमिसेस का एक तरीके से यहाँ पर टेस्ट लिया जा रहा है। एंड अगर आप उस पर खरे उतरते हैं तो आपके लिए गुड न्यूज़ ज़रूर आएगी। आई विल कॉन्टैक्ट यू सून, आपके पार्टनर जल्द ही आपसे बात करेंगे, जल्द ही ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये ओवर होगी। ओके, ठीक है गाइस। तो अगर इस रीडिंग के जरिए आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो तो प्लीज़ मेरे चैनल टैरो बाय टीजे को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। साथ ही में अगर आप कोई पिकअप आइल रीडिंग सजेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस पर भी रीडिंग लेकर ज़रूर आऊँगी। इस रीडिंग में इतना ही। नमस्ते एंड अपना ख्याल रखिएगा।